अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है प्रणाम, चक्रों और कुंडलनी को लेकर जो स्पष्टीकरण आपने हमारे सामने रखा तो उसका सौंदर्य समझ में आया, बहुत बहुत अहोभाव। मैं यही आशा करता हूँ कि उसका आशय, उसका सार सबकी समझ में आया होगा। सार को आपके सामने रखना और असार को हटा देना, यही उद्देश्य था इस सारी प्रवचन श्रृंखला का। हर चीज़ में सार भी है, असार भी है, तो सार और असार को देख लेना, ग्रहण कर लेना। चक्रों की बातें हैं, चर्चाएं हैं, बहुत साहित्य है, सारी चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत कुछ असार भी है और बहुत कुछ सार भी है। तो इसीलिए जो परंपरा में, भारतीय परंपरा में बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं, उनको एकदम से नकार देने से हम कई बार उनकी खूबसूरत चीज़ों को भी मिस कर सकते हैं। तो उनको ना मिस किया जाए और उनमें से सार को ग्रहण कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ सारे मित्र जो इस यात्रा में शामिल थे, शामिल रहे हैं, अभी भी साथ में हैं, वो उस सार को अपने जीवन में जगह दे पाए होंगे, और दे पाए हैं तो बहुत खूबसूरत है। उसके लिए अनुग्रहित रहें, सेलिब्रेट करें। Thank you.